इंजन साइड से कुछ तो नॉइज आ रहा है। ये बेल्ट भी शायद गया है पूरा। सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स एसजीपी। तो ये 14 साल वाला ही बेल्ट है। इसको अभी मैं घुमा रहा हूँ तो कोई मुझे वाइब्रेट नहीं महसूस हो रहा है। इसका साइज देखो कितना है। और ये पुराने वाले का गाड़ी चालू कर दो, हल्का हल्का रेस कर। मेरा काम जो है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी का पिकअप भी इंक्रीज हुआ है, मेरा टोटल खर्चा हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे एक्सेस के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सेस है, 2010 का ये मॉडल है। और इसमें एक इशू है, इशू ये है कि इसका ये जो इंजन है, इंजन साइड से कुछ तो नॉइज आ रहा है। नॉइज किस चीज़ का है पता नहीं, आपको मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी जो अभी मैं कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्विच में मैंने इंजन की स्विच दिया हुआ है। और कभी भी मैं जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करता हूँ कोई भी, तो मैं किक पे ही स्टार्ट करता हूँ, भले बैटरी नया हो या पुराना। ये देखो, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स नॉइज सुनना, तो फ्रेंड्स वो जो नॉइज है वो अभी नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी थोड़ा चलने के बाद वो नॉइज आता ही है। आज मैंने गाड़ी को 2 से 3 दिन में स्टार्ट किया है, इसलिए शायद वो नॉइज नहीं आ रहा है। लेकिन गाड़ी जैसे गर्म होगा, गाड़ी जैसे रन होगा, तो वो नॉइज आएगा ही। तो फ्रेंड्स, मेरे गैरेज वाले ने मुझे बताया कि वी बेल्ट के यहाँ पे कोई बेरिंग होता है, वो बेरिंग के अंदर का वो नॉइज है। मुझे जहाँ तक पता है कि इंजन का बेरिंग होता है, फिर उसके बाद इंजन बेल्ट के थ्रू वो टायर को रन करता है, उसका एक बेरिंग होता है। तो वो दोनों बेरिंग में से किसी एक बेरिंग का वो नॉइज है। तो गैरेज वाले ने मुझे बताया कि बेरिंग के अंदर ऑयल डाल के भी वो नॉइज चला जाएगा, लेकिन मैं वैसे नहीं करूँगा। अगर बेरिंग गया होगा तो मैं दोनों बेरिंग चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए क्लच साइड का पूरा ये सब कुछ ओपन करना पड़ता है। ऑयल डाल के बेरिंग का कुछ टाइम के लिए नॉइज चला जाएगा, लेकिन फिर से चलाएगा। मेरी गाड़ी को अभी करीब करीब 14 साल कंप्लीट हो चुका है। वो जो बेरिंग है, वो बेरिंग गाड़ी के साथ में आया हुआ बेरिंग है। तो चले फिर सीधा चलते हैं गैरेज पे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरेज पे आ चुका हूँ और इन्होंने अभी काम को कर दिया स्टार्ट। तो ये अभी ये किक का जो असेंबली है पूरा क्लच के साइड का, उसको ओपन कर रहे हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, किक का पूरा असेंबली निकल चुका है और यहाँ पे ये देखो रख दिया है। अभी ये देखो, ये फ्रेंड्स बेल्ट है। ये बेल्ट भी शायद गया है पूरा, क्योंकि जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वाइब्रेट फील हो रहा है। ये नॉइज आने से पता चलता है कि बेल्ट का कंडीशन अच्छा है कि बुरा है। अगर नॉइज आया तो समझ जाओ कि बेल्ट को रिप्लेस करना ही है, अगर नॉइज नहीं आया तो बेल्ट ओके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बेल्ट को भी रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से न्यू बेल्ट लेके आ चुका हूँ और ये जेन्युइन पार्ट्स है, सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स एसजीपी। और इसका एमआरपी है 585 और ये मुझे मिला है 582 रुपीज़ में। और फ्रेंड, जो डुप्लीकेट बेल्ट था वो कुछ 250 रुपये का था। तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि पार्ट्स डालो तो कभी भी जेन्युइन पार्ट्स डालो, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स और कॉपी पार्ट्स में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं होता। अभी ये क्लच असेंबली को ओपन कर रहे हैं।
देखो फ्रेंड्स, ये बेल्ट वगैरह क्लच असेंबली पूरा निकल चुका है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। और ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा पुराना बेल्ट है जिसका कंडीशन अभी भी ठीक ठाक है, बट ये देखो ये अंदर से कट चुका है, जिसकी वजह से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बेल्ट है ये मैंने गाड़ी के साथ में आया हुआ बेल्ट है। मेरा गाड़ी जो है 2010 का है, अभी इसको करीब करीब 14 साल कंप्लीट हो चुके थे, 14 साल वाला ही बेल्ट है। और उस टाइम फ्रेंड्स देखो, ये मित्सुबिशी कुछ ब्रांड का बेल्ट आता था, और अभी ये जो मैं करंट बेल्ट लेके आया हूँ ये भी ये सेम ब्रांड का ही है, मित्सुबिशी। और फ्रेंड्स ये देखो, ये वो क्लच असेंबली है, इसके अंदर बेरिंग्स होते हैं, जो बेरिंग बीच बीच में नॉइस कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो बेरिंग्स होते हैं, एक ये साइड में और एक ये साइड में। तो गैरेज वाले ने मुझे बताया कि बेरिंग तो अच्छा है, बस ऑयल डल के प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अभी ये क्लच असेंबली की बेरिंग को पेट्रोल से साफ कर रहे हैं। आपको मैं वन बाय वन दोनों बेरिंग दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक बेरिंग है, इसको अभी मैं घुमा रहा हूँ तो कोई मुझे वाइब्रेट नहीं महसूस हो रहा है। एक ये बेरिंग है और एक इसके अंदर बेरिंग है। देखो ये दोनों बेरिंग अच्छे से फ्री हो चुके हैं, इसको अभी कर रहे हैं ये ऑयलिंग। और फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो क्लच रोलर है ये हल्का हल्का खींच चुका है, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप नया डाल दो। तो ये देखो, ये नया है, इसका साइज़ देखो कितना है, और ये पुराने वाले का साइज़ देखो कितना है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा गाड़ी जो है अभी तक वाइब्रेट नहीं कर रहा है। 14 साल में मेरा गाड़ी आज तक कभी वो वाइब्रेट नहीं हुआ जैसे वो एक्टिव वाइब्रेट होता है उस तरह। लेकिन ये इन्होंने मुझे बताया कि इतना सब कुछ अभी ओपन किया है तो रिप्लेस ही कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बेल्ट भी सेफर साइड रिप्लेस कर रहा हूँ, तो साथ साथ में ये क्लच रोलर है इसको भी रिप्लेस कर रहा हूँ। करो। हल्का रेस कर।
रहा है ना आवाज। हाँ वो भी बंद हो जाएगा, आयल भी नहीं लगेगा, लगाओ ये लगेगा तो कम होता ना। ग्रीस अभी ये धोया है ना, हाँ तो ग्रीसिंग फ्रेंड्स। मेरा काम जो है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितना भी सब ओपन किया था वो पूरा लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स चलते हैं घर पे, क्योंकि ये जो गैरेज है ये गैरेज मेन रोड पे है और मेन रोड पे बैकग्राउंड नॉइज जो है ज़्यादा है, उसकी वजह से इंजन का जो साउंड है वो पता नहीं चलेगा। तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुका हूँ, अभी मैं आपको इंजन का साउंड सुनकर देखा था, तो उसके लिए गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये देखो, ये देखो इंजन का साउंड। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मेरा इंजन का जो साउंड है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है और साथ साथ में मेरी गाड़ी का पिकअप भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि न्यू क्लच रोलर रिप्लेस किए, साथ साथ में क्लच को भी अच्छे से सर्विस किया और पेट्रोल से साफ किया और बेल्ट को भी रिप्लेस किया है। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी को अभी करीब करीब 14 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। मेरा गाड़ी जो है 2010 का है और मेरा गाड़ी टोटल जो है 21,846 किलोमीटर डन हो चुका है, तो इतने किलोमीटर में ये सब चीज़ें खराब नहीं होती। आपने देखा होगा मेरा क्लच रोलर का भी साइज़ काफ़ी था और बेल्ट भी और चल सकता था, बट इतना टाइम हुआ है इसकी वजह से मैंने दोनों चीज़ें चेंज कर दिए। तो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं खर्चे की। 582 रुपीज़ का वी बेल्ट हुआ, क्योंकि वी बेल्ट मैंने जेन्युइन यूज़ किया। 220 रुपीज़ क्लच रोलर का हुआ और 200 रुपीज़ लेबर चार्जेस हुए। ऐसे टोटल खर्चा हुआ 980 से 1000 रुपीज़ तक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।